नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड मूवी रिव्यू में आपका स्वागत है। आज प्रदर्शित होने वाली फिल्मों में से एक फिल्म है मुद्दा 370 J&K। जैसा नाम से ही जाहिर है, फिल्म का कथानक भी धारा 370 को केंद्र में रखकर लिखा गया है। एक हिंदू लड़के का एक मुस्लिम लड़की से प्रेम, कश्मीर की पृष्ठभूमि में धारा 370 से नुकसान और धारा 370 हटने के बाद फायदे की बातें, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का फिल्म में दर्शन, या यूं कहिए भाजपा की चापलूसी को ध्यान में रखकर बनी है ये फिल्म मुद्दा 370 J&K। धारा 370 हटने के बाद देश में सोशल मीडिया पर वायरल कश्मीरी लड़की पटाओ शादी करो वाला मैसेज पर्दे पर उतारा गया है। फिल्म तथ्यों से हटकर एक तरफा बातें करती है। देश में इस तरह की एक तरफा बातें करने वाले अंधभक्त भी फिल्म को देखने नहीं जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चर्चा का विषय बने किसी भी ज्वलंत विषय पर फिल्म बनाना कोई बड़ी बात नहीं। भले आपने कम बजट में फिल्म बनाई है, आपकी फिल्म दर्शकों के दिल को छू ले तो ही बॉक्स ऑफिस पर आपको कामयाबी मिलेगी। नाम बड़ा मुद्दा 370 J&K और दर्शन छोटा है। कश्मीर की खूबसूरत लोकेशन को छोड़कर कथा, पटकथा, संवाद, गीत और संगीत दमदार नहीं है। राखी सावंत का आइटम नंबर भी कमाल का नहीं है। कलाकारों से निर्देशक ने जैसा काम लिया सबने वैसा किया है। फिल्म की लेंथ लंबी है, संपादन सही तरीके से और टाइट होती तो बेहतर था। पोस्टर देखकर दर्शक एक बार फिल्म देखने जा सकते हैं। पब्लिक की माउथ पब्लिसिटी से भी फिल्मकार लाभान्वित नहीं होंगे। कुल मिलाकर ये फिल्म सभी को निराश करेगी। आप देखते रहें हमारा चैनल, हम फिर मिलेंगे आपसे किसी और फिल्म के रिव्यू के साथ। तब तक इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल।